नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग एलसेक यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे ये क्लास बीएड के लिए है। ये जो वीडियो है ये एडुकेशन के लेकर के मैं आया हूं, इसमें शिक्षा के बारे में बताऊंगा। और ये जो पेपर है पेपर 8 में भी आता है, यानी कि सेकेंड ईयर बीएड के सेकेंड ईयर और बीएड के फर्स्ट ईयर दोनों ईयर के लिए प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें मैं बात करूंगा एडुकेशन को लेकर के, एडुकेशन के संपत्ति को समझेंगे, यानी कि कंसेप्ट को समझेंगे एडुकेशन को, और उसके बाद समझेंगे इसके मीनिंग को, और साथ ही साथ समझते जाएंगे इसकी परिभाषा को भी समझेंगे। देखते हैं, इसमें थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हैं, इसको सुन करके आप नोट कर सकते हैं, आपको जो समझ में आए सो देख करके भी, और जो मैं बता रहा हूँ बोल रहा हूँ उसको आप सुन करके नोट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इसमें देखें तो यूनिट 2 लिखा हुआ, सबसे ऊपर में मैंने यूनिट 2 लिखा, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका जो कमेंट के थ्रू जो मांग आया था, कमेंट के थ्रू मुझे बताया गया था कि इस पर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। और मैंने देखा भी कि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि लगभग 97 वीडियो हैं, 100 के आसपास वीडियो हैं V8 क्लास के, लेकिन मैं इस टॉपिक पे वीडियो अभी तक नहीं बना पाया था। तो मैं इसको कल अपने सर के क्लास से पढ़ा और उसके बाद मैं इसको बना रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा गया है, सबसे पहले मैंने ऊपर में हेडिंग दिया कि शिक्षा क्या है, और इसमें जो समझेंगे कि शिक्षा के अलग अलग प्रक्रिया के बारे में भी समझेंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट निकल के आएगा सामान्य प्रक्रिया के रूप में, दूसरा पॉइंट निकल के आएगा देख सकते हैं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, और तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप निकल के आएगा प्रत्यक्ष या इरादतन जिसको बोलते हैं, या औपचारिक भी बोल सकते हैं आप, औपचारिक प्रक्रिया है और गैर इरादतन और अप्रत्यक्ष रूप से और अनौपचारिक, ये सभी बातों को हम समझेंगे इसी वीडियो में के अंतर्गत, और साथ ही साथ इसका परिभाषा भी जानेंगे बहुत ही मनोवैज्ञानिकों के परिप्रेक्ष्य में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट है इस पेपर का जो वीडियो है, ये जो वीडियो है बेहद महत्वपूर्ण है यूनिट 2 का, और ये दोनों पेपर यानी कि पेपर 8 और पेपर 2 यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों बच्चों के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आपको हैंडराइटिंग थोड़ा खराब लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए। पॉइंट वाइज मैं इस तरीके से बनाया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे सामाजिक प्रक्रिया, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं औपचारिक या इरादतन प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया रूप से जो है कि, और ये देख सकते हैं गैर इरादतन। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं इसका टाइपिंग करके उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ऑन अदर वे देख सकते हैं आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF जरूर मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एडुकेशन को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एडुकेशन क्या कहता है देख सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ एडुकेशन यानी कि संप्रत्यय, इसका मतलब क्या होता है तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं कि द एडुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच, कह रहा है कि एडुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ह्यूमन बिहेवियर मॉडिफाई, द ह्यूमन बिहेवियर मॉडिफाई इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड एंड solve their problems and establish himself as a social animal। यह कह रहा है, इसका कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करता है। अपनी जरूरत को पूरा करते हुए मानव जो अपनी जरूरत को पूरा करते हुए अपनी समस्या का समाधान करता है तथा एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, तो ये क्या कहलाएगा? शिक्षा कहलाएगा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें, इसके द्वारा क्या है तो मानव अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करता है तथा एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, इस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी जो दोनों मिक्स करके भी आप लिख सकते हैं, इससे आंसर जो है आंसर दमदार होता है, आंसर में वेटेज आते हैं जिससे कि मार्क अच्छे गेन किया जा सकता है। और इसी में पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा जो है कि एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा हमारी सभ्यता के को आधार प्रदान करता है। क्या करता है तो सभ्यता को आधार प्रदान करता है। किस प्रकार से? जब हमारे पास शिक्षा आई तब तो हम समझे कि हम हिंदू हैं, तब तो हम समझे कि हम इंसान हैं, हमारी क्या कर्तव्य है और क्या इसका नैतिकता है, इन सभी बातों को तभी हम समझे जब हमारे में शिक्षा आई। तो ये कह रहा है कि शिक्षा क्या है
एक प्रक्रिया है जो हमारी सभ्यता को आधार प्रदान करता है। किसको? हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको आधार प्रदान करता है। और देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि हमारी हमारी सामाजिक परिवर्तनों को दिशा प्रदान करता है। हमारी सामाजिक परिवर्तनों को दिशा प्रदान करता है। हमारी सामाजिक परिवर्तन को किस तरीके से दिशा प्रदान करता है? तो जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तभी हम जाके सामाजिककरण होता है हमें, तभी हमारे अंदर जो है सामाजिककरण होता है और समाज का परिवर्तन होता है और एक दिशा के रूप में प्रदान किया जाता है शिक्षा के द्वारा। अब देख सकते हैं आगे निकल के आता है और हमारे विकास को गति प्रदान करता है। हमारा जो विकास चल रहा होता है, जो हमारा विकास चल रहा होता है उसमें हमारा गति प्रदान करता है, उसमें आपका मोशन आ जाता है, गति आ जाता है और तेजी से होने लगता है वो विकास। अब देख सकते हैं नीचे और एक पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है कि एडुकेशन यानी कि शिक्षा। एडुकेशन यानी कि शिक्षा क्या है? तो शिक्षा मानव सशक्तिकरण, देख सकते हैं शिक्षा क्या है? शिक्षा मानव शक्तिकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? तो मानव शक्तिकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मानव को शक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जितना शिक्षित रहेगा वो उसका उतना ज्यादा उसका शक्ति होगा, उसका शक्तिकरण होता है यानी कि उसमें उतना पावर आता है। देख सकते हैं ये ऐसी प्रक्रिया है जो प्रथम सांस से शुरू होकर, ये जो ऐसी प्रक्रिया है जो प्रथम सांस यानी जन्म से लेकर शुरू होकर अंतिम सांस तक चलती है यानी कि मरते दम तक। आप कहिएगा मरते दम तक कैसे चलती है? तो एक प्रकार से हम समझे या ना समझे ये मरना भी तो एक शिक्षा ही मिलता है कि किस प्रकार से मरा जाता है आदमी, किस तरीके से आदमी के जो है मृत्यु होती है। तो ये भी एक मरते मरते आदमी ये भी सीख लेता है कि आखिर में किस तरीके से मरता है, किस तरीके से प्राण छूटते हैं। ये भी एक शिक्षा ही तौर पर लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये जो है शिक्षा यानी कि ये जीवन भर चलने वाली प्रतिक्रिया है। ये जीवन भर भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? तो जीवन भर, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? तो जीवन भर हम लोग कुछ ना कुछ शिक्षित शिक्षा अर्जन करते ही रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम कि अपने समस्या का समाधान करते हैं, सामाजिक परिवर्तन लाते हैं और शिक्षा को अपने आधार बनाकर संस्कृति का आधार बनाते हैं और शिक्षा को लेकर के एक मानव का जो है सशक्तिकरण होता है, मानव में शक्ति आती है। और ये जो है अंतिम सांस तक चलने वाली प्रतिक्रिया है। शुरू प्रथम सांस से लेकर अंतिम सांस तक चलने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि शिक्षा कैसे आता है और कैसे क्या होता है, तो इस बात को आपने जान लिया। और यहाँ देख सकते हैं आपके सामने निकल के आ रहा है कि एडुकेशन मीनिंग। अब एडुकेशन ऑफ मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ एडुकेशन क्या होता है यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो इस बात को हम समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ पहले समझाते हैं, इसमें शाब्दिक अर्थ में क्या कहा जाता है, कैसे निकल के आया शिक्षा वर्ड। हम शिक्षा को शिक्षा ही क्यों बोले, एडुकेशन को एडुकेशन ही क्यों बोले, यानी कि एडुकेशन शब्द का मतलब क्या होता है, इसका हम मेन शाब्दिक अर्थ समझेंगे। यहाँ पर देखें तो इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एडुकेशन यानी कि शाब्दिक अर्थ, इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एडुकेशन देख सकते हैं। हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप माइंड में रखिए और या तो आप नोट बनाते चलिए। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा यानी कि शिक्षा, शिक्षा जो शब्द है ये जो है कि सिक्ष धातु से, देख सकते हैं सिक्ष धातु से, सिक्ष धातु से निकल कर आया है, जो सिक्ष संस्कृत के धातु जो होते हैं सिक्ष धातु से निकल कर आया है। इसमें क्या किया गया, तो इसमें अप्रत्यय लगाया गया जिसके कारण जो है अप्रत्यय लगाने से किस धातु में, तो शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से क्या बन गया, तो शिक्षा बन गया। क्या बन गया, तो शिक्षा बन गया। अब जानेंगे कि शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है, तो शिक्ष धातु का अर्थ होता है, शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना यानी कि आप सिखा रहे हो या सीख रहे हो, ये दोनों चीज आता है शिक्षा के अंतर्गत। या आप टीचर हो या स्टूडेंट हो तो ये दोनों चीज आता है शिक्षा के अंतर्गत, यानी कि सीखना और सिखाना दोनों शिक्षा के अंतर्गत आता है, यानी कि शिक्ष का अर्थ होता है सीखना सिखाना। ये शिक्ष धातु से, संस्कृत के शिक्ष धातु से निकल के आया है जिसमें अप्रत्यय लगाने से शिक्षा का उद्भव हुआ और जिसका शिक्ष धातु का अर्थ होता है शिक्षा, सीखना और सिखाना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि एक प्रकार, देख सकते हैं
एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीखने सिखाने का कार्य होता है। शिक्षा क्या है, शाब्दिक अनुसार देख सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ के अनुसार यहाँ पर निकल के आता है एक और परिभाषा के तौर पे कि शिक्षा एक ऐसी प्रतिक्रिया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने सिखाने का कार्य होता है, वह क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है, वह शिक्षा कहलाता है। अब उपनिषदों के अनुसार देख सकते हैं 108 उपनिषद हैं हमारे देश में, देख सकते हैं हिंदू धर्म के अनुसार 108 उपनिषद है, जिसमें से क्या है तो 108 उपनिषद में से एक उपनिषद देख सकते हैं, उनमें से एक ही उपनिषद है जिसमें कि शिक्षो उपनिषद, जिसका नाम है शिक्षो उपनिषद, देख सकते हैं शिक्षो उपनिषद, उसमें शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया। जितने भी सारे उपनिषद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, कहीं भी आपको शिक्षा शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, मात्र एक ही उपनिषद है जिसमें कि आपको शिक्षो उपनिषद है, उसमें शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं। तो आप कहिएगा कि शिक्षा शब्द ग्रंथ में नहीं प्रयोग किया गया तो क्या, किस चीज के लिए क्या प्रयोग किया गया, तो ग्रंथों में मेनली जो है कि विद्या शब्द का प्रयोग किया। दूसरे ग्रंथों में आप देखेंगे तो आपको शिक्षा के स्थान पर शिक्षा का प्रयोग नहीं किया गया है, और उस शिक्षा के लिए आपको क्या, किस चीज का, तो विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देख सकते हैं विद्या शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया, तो अब देख सकते हैं पहले विद्वान जो हो सकते हैं, तो विद्या शब्द का आप अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। तो विद्या शब्द का अर्थ होता है विद, यानी कि ये विद्या जो है संस्कृत के विद धातु से निकल के आता है, संस्कृत के विद धातु से निकल के आता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जिसका क्या अर्थ होता है, तो ज्ञान, विद का अर्थ होता है, विद का अर्थ होता है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञानी बनाने की प्रक्रिया, ज्ञानी बनाने की प्रक्रिया शिक्षा कहते हैं, देख सकते हैं ज्ञानी बनाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। अब दूसरे उपनिषद, दूसरे ग्रंथों के अनुसार आप देखें जहाँ पर विद्या शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि विद धातु, संस्कृत के विद धातु से निकल के आता है, तो ये कहा जाता है कि ज्ञानी बनाने की प्रक्रिया, यानी कि विद का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है जब विद्या आया, औ शब्द इसमें भी अप्रत्यय लगाया गया जिसके कारण विद्या बना, तो ये जो हो जाता है ज्ञानी बनाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं, ज्ञानी बनाने की प्रक्रिया को विद्या कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट निकल के आता है इल्म। अब उर्दू धर्म यानी इस्लाम धर्म के अनुसार अब देखते हैं कि इल्म यानी कि उर्दू में ये अरबी शब्द से निकल के आया है, उर्दू में अरबी शब्द अलम से निकल के आता है, किससे, तो अलम से निकल के आता है। इल्म मतलब होता है कि शिक्षा होता है, इल्म हासिल करना यानी शिक्षा हासिल करना, विद्या हासिल करना, ज्ञान हासिल करना, ये इल्म होता है उर्दू शब्द में, ये जो अरबी शब्द से निकल के आया है। दूसरा, तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप, विद्या आपने देख लिया और शिक्षा देख लिया, उसके बाद इल्म पर हम आए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इल्म का मतलब होता है कि, देख सकते हैं शिक्षा, और ये इल्म शब्द जो है उर्दू में जो है ये अरबी शब्दों से, अलम शब्दों से निकल गया है, अलम से निकल गया है, जिसका अर्थ होता है, देख सकते हैं अलम का मतलब होता है ज्ञान, देख सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना, इसका भी सेम अर्थ होता है, अलम का अर्थ मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त करना, अलम का क्या अर्थ होता है, ज्ञान प्राप्त करना, यानी अलम, अलम में भी अप्रत्यय लगाया गया तो क्या बन गया, इल्म यानी कि शिक्षा यानी कि विद्या, ये बन गया इल्म। अब इसके अनुसार उर्दू धर्म के अनुसार देख सकते हैं, इस्लाम धर्म के अनुसार लिखा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्ञान प्राप्त करना ही इल्म है। यहाँ कहा जा रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तब वह क्या कहलाता है, इल्म कहलाता है, इल्म कहलाता है, देख सकते हैं ये इस्लाम धर्म के अनुसार आप देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आपका इंग्लिश में आ रहा है अब एडुकेशन, यानी कि एडुकेशन, देख सकते हैं आप एडुकेशन, ये लैटिन वर्ड भाषा से, देख सकते हैं ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एडुकेटम वर्ड से निकल के आया है, देख सकते हैं एडुकेटम, EDUCATUM, एडुकेटम वर्ड से निकल के आता है, ये एडुकेटम वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है, एडुकेटम वर्ड का दो शब्दों से बना है, जो एडुकेटम शब्द है ये जो दो शब्दों से बना है, किन से बना है, दो शब्दों से बना है, पहला कौन, देख सकते हैं ई और उसके बाद को, DUCO, E+DUCO, यानी कि E मतलब इनसाइट, E मतलब क्या, तो इनसाइट, और आउट मतलब
बाहर देख सकते हैं, डी को मतलब आउट, यहाँ देख सकते हैं डी को मतलब आउट, इस तरीके से आपको डायग्राम बना के लिखना है परीक्षा में भी। यहाँ देख सकते हैं इसका मतलब हुआ इनसाइड आउट, इसका मतलब हुआ अंदर से बाहर निकालना, यानी कि जब आप में ज्ञान आता है तब आप उस ज्ञान को अंदर से बाहर निकालिए और इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो ये कहता है, शिक्षा कहता है कि जब आपने ज्ञान प्राप्त किया तो इसका विस्तार कीजिए, इसका जो है कि प्रचार प्रसार कीजिए। यहाँ देख सकते हैं एडुकेशन जो है शब्द किससे निकल गया आया, एडुकेशन शब्द एडुकेटम वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड एडुकेशन व एडुकेटम वर्ड से बना है। और एडुकेटम का भी अगर दो पार्टों में बांटा गया है, दो पार्ट एडुकेटम से भी, एडुकेटम जो शब्द है ये दो पार्ट से बना है, ई और डी को, यानी कि ई मतलब इनसाइट और डी को मतलब आउट, यानी कि अंदर से बाहर निकलना, ये कहलाता है एडुकेटम। और एडुकेटम वर्ड से निकल के आता है एडुकेशन। यहाँ देख सकते हैं लैटिन वर्ड, अब कह रहा है कि बहुत से मनोवैज्ञानिक ने कहा कि नहीं एडुकेटम से नहीं आया है और ये लैटिन वर्ड एडुकेयर से निकल के आया है। देख सकते हैं यहाँ पे एडुकेयर, ई डी यू सी ए आर ई, यहाँ देख सकते हैं EDUCARE, एडुकेटर, एडुकेयर, देख सकते हैं एडुकेयर, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप, देख सकते हैं इसका मतलब होता है, एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, यानी कि उत्थान करना, ऊपर उठाना, यानी कि आप जब शिक्षा प्राप्त करते हो तो आप किसी का उत्थान करो, किसी को आगे बढ़ाओ, ये चीज कहता है शिक्षा। यहाँ कह रहा है कि ये एडुकेयर शब्द से निकल गया है जिसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप। अब कहा फिर से वैज्ञानिकों ने कहा, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं ये जो है सो एडुसेरे शब्द से निकल के आया, एडुसेरे शब्द से निकल के आया। इसमें कई सारे प्रोनाउंसिएशन किए जा सकते हैं, इसका स्पेलिंग आप देख लीजिए ई डी यू सी ई आर ई, एडुसेरे भी बोला जा सकता है और एडुसेरे भी बोला जा सकता है, कहीं पे एडुकेरे भी बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको जो प्रोनाउंसिएशन करने में हो तो वो आप स्पेलिंग ध्यान रखिए, मेनली ई डी यू सी ई आर ई, एडुसेर, देख सकते हैं एडुसेरे मतलब होता है कि मूव फोर्स, यानी कि आगे की ओर धक्का देना, देख सकते हैं आगे की ओर धक्का देना, इसका मतलब होता है एडुसेरे का मतलब होता है मूव फोर्स, यानी कि आगे की ओर धक्का देना, देख सकते हैं इसका मतलब होता है आगे की ओर धक्का देना, यानी कि किसी को गिरा मत देना। यहाँ इसका मतलब होता है विकास करना, इसका किसी का डेवलपमेंट करना, एडुकेशन कहता है कि किसी का विकास करो, ये कहता है एडुकेशन शब्द का मेनली शाब्दिक अर्थ इटिमोलॉजिकल जो मीनिंग है इसको हम समझें इस बात के लेकर के कि देख सकते हैं कि एडुसेयर और एडुकेरे इस दोनों को हटा करके लास्ट में मनोवैज्ञानिक ने कहा कि नहीं ये जो एडुकेटम शब्द है इसी से निकल के आया है एडुकेशन, जो शब्द है एडुकेशन, ये जो एडुकेशन शब्द लैटिन वर्ड एडुकेटम से ही बना है, जिस दोनों को आप मनोवैज्ञानिकों ने इसको ऑप्शनल कर दिया और इसको जो है प्राइमरी बना दिया। यहाँ देख सकते हैं एडुकेटम वर्ड को प्राइमरी बना दिया गया, यानी कि आप कहने के लिए कह सकते हैं एडुकेशन जो है कि इसका मदर, एडुकेशन का मदर हो गया आपका एडुकेटम और ये दोनों इसका मौसी हो गया, देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारे गुरु जी समझाते थे। और आगे देख सकते हैं इस तरीके से आप समझ भी सकते हैं अच्छे तरीके से। और इसमें देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक, देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक ने तो इसको आप दृष्टि, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी कि साइकोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण क्या है व्यू से आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे परिभाषाओं को उन्होंने दिया, तो इसमें परिभाषा को समझते चलते हैं। पहला जो अकॉर्डिंग टू उपनिषद, अकॉर्डिंग टू उपनिषद यानी कि जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार आप देख सकते हैं इसको, यानी कि उपनिषदों के अनुसार क्या परिभाषा दिया, तो एडुकेशन कहता है उपनिषद कि एडुकेशन इज द प्रोसेस, एडुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, देख सकते हैं इमेनिसिपिएशन, देख सकते हैं इमेनिसिपिएशन यानी कि सा विद्या या विमुक्ति, देख सकते हैं इसका मतलब होता है संस्कृत में कि सा विद्या या विमुक्ति यानी कि शिक्षा मुक्ति का साधन है, शिक्षा क्या है तो मुक्ति का साधन है, ये कह सकते हैं आप शिक्षा मुक्ति का साधन है, ये कह रहा है उपनिषद। एडुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इमेनिपिएशन, देख सकते हैं इमेनिसिपिएशन यानी कि सा विद्या या विमुक्ति, इसका स्पेलिंग देख सकते हैं इमेनिसिपिएशन का ई एम ए आई एन सी आई पी ए टी आई ओ एन, इमेनिसिपिएशन, तो ये कहता है उपनिषद। अब देख सकते हैं सेकेंड यानी कि सेकेंड परिभाषा जो निकल गया आया वो अकॉर्डिंग टू
बुद्ध धर्म, यानी कि अकॉर्डिंग टू बुद्ध धर्म के अनुसार देख सकते हैं क्या निकल के आया, बुद्ध धर्म क्या कहते हैं। तो यहाँ आप समझेंगे बुद्ध धर्म के अनुसार कि एडुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इन्होंने भी कहा एडुकेशन एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है। एडुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेल्वेशन, देख सकते हैं सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष या निर्वाण, देख सकते हैं। शिक्षा क्या है तो निर्वाण का प्रक्रिया है, निर्वाण की प्रक्रिया है, मोक्ष की प्रक्रिया है। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आपको मोक्ष भी मिलता है, यहाँ देख सकते हैं। जब उस चरम पे पहुँचते हो तो आप मोक्ष भी प्रदान कर सकते हो, यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षा क्या है, सेल्वेशन का प्रक्रिया है, सेल्वेशन की प्रक्रिया है, यानी कि मोक्ष की प्रक्रिया है। बुद्ध धर्म के अनुसार ये कहा गया है कि शिक्षा मोक्ष की प्रक्रिया है, निर्वाण की प्रक्रिया है। अब देख सकते हैं मोक्ष और मुक्ति, यानी कि मोक्ष और मुक्ति में डिफरेंस है। यहाँ मुक्ति का मतलब होता है कि आपने जन्म लिया, और जन्म का बात मैं कर रहा हूँ, आप किसी प्रॉब्लम से भी आप ले सकते हैं इस बात को, कि मुक्ति का अर्थ होता है जब आप जन्म लिया और आपकी मृत्यु हो गई, आपने फिर से जन्म लिया, तो ये यानी मृत्यु हो गई, कि यानी कि मृत्यु होने के बाद आप फिर से जन्म लोगे, तो ये आपके मुक्ति के कैटेगरी में आएगा। और मोक्ष के कैटेगरी में आएगा कि आपकी मृत्यु हुई और आपने दोबारा जन्म नहीं लिया, तो ये मोक्ष कहलाएगा, जो निर्वाण के अंतर्गत आता है। मोक्ष और निर्वाण दोनों सेम वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सेल्वेशन, जो बुद्ध धर्म कहता है कि एडुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेल्वेशन, यानी कि जो शिक्षा है मोक्ष का, मोक्ष की प्रक्रिया है, मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और उपनिषद कहता है कि ये मुक्ति की प्रक्रिया है, ये इमिसिपिएशन की प्रक्रिया है, देख सकते हैं ये इमिसिपिएशन की प्रोसेस है, देख सकते हैं। उसके बाद निकल के आता है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ तीसरा डेफिनेशन आता है कि अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य ने कहा कि एडुकेशन इज फॉर रियलाइजेशन, देख सकते हैं एडुकेशन इज फॉर रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, यानी कि शिक्षा जो है कि आत्मानुभूति की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है तो आत्मानुभूति की प्रक्रिया है। ये आदि शंकराचार्य कहते हैं कि शिक्षा जो है कि आत्मानुभूति की प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया है आत्मानुभूति की प्रक्रिया है। एडुकेशन इज फॉर रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, यानी कि एडुकेशन क्या है तो आत्म अनुभूति की प्रक्रिया है। आत्म की अनुभूति जब हमको प्राप्त होती है तब हमें शिक्षा का अर्जन होता है। अब नीचे पॉइंट निकल के आता है जो नेक्स्ट डेफिनेशन के रूप में है, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, यानी कि विवेकानंद जी कहते हैं कि एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन, देख सकते हैं एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि जो उसकी जो है देख सकते हैं मनुष्य के अंदर ही उसकी दैविक शक्ति है, मनुष्य के अंदर ही क्या है तो उसकी दैविक शक्ति है। ये मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, ये देख सकते हैं विवेकानंद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि मनुष्य के अंदर ही उसकी दैविक शक्ति है, उसकी दैविक शक्ति मनुष्य के अंदर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, और इसी के अभिव्यक्ति की पूर्णता, देख सकते हैं गौर से कि और इसी की अभिव्यक्ति की पूर्णता शिक्षा है। जब आप किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व आता है, जिस किसी भी व्यक्ति में व्यक्तित्व आता है तो वह उसकी गुण की, उसकी जो मेंटलिटी की, एटीट्यूड की, इस सभी चीज़ों की व्याख्या करता है, उसका व्यक्तित्व, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को व्याख्या करता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व। यहाँ देख सकते हैं इसमें विवेकानंद जी कहते हैं कि एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन माइंड, देख सकते हैं उस मनुष्य में, जो मनुष्य के अंदर ही उसकी दैविक शक्ति मौजूद होती है और उसकी ही अभिव्यक्ति, उसी की अभिव्यक्ति की जो पूर्णता होती है, उसी अभिव्यक्ति की जब पूर्ण हो जाता है, वह अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंदर जो दैविक शक्ति होती है उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण हो जाती है, पूर्णता होती है, तो वह क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। यहाँ नेक्स्ट परिभाषा है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी कहते हैं कि एडुकेशन से तात्पर्य है, यानी कि शिक्षा से तात्पर्य है कि बालको, यानी कि छात्रों, यहाँ बालक छात्रों के लिए उपयोग में लाया गया है, तो देख सकते हैं
एजुकेशन से तात्पर्य है कि सर्वांगीण विकास। देख सकते हैं वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखते जाइए, पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो। निश्चित तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशन से तात्पर्य है, देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन से तात्पर्य है कि सर्वांगीण विकास है। क्या है? तो बालक के यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से है, उसकी शारीरिक मानसिक और उसके आत्मिक विकास से है। यानी कि जब किसी भी छात्र किसी भी बच्चा में सर्वांगीण विकास किया जाता है जिसके अंतर्गत उसके शारीरिक मानसिक और उसके आत्मिक विकास किया जाता है, तो हम आप समझेंगे कि उसमें शिक्षा का ग्रहण हुआ, शिक्षा का आगमन हुआ, ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं, अब नेक्स्ट है ये विदेशी, ये देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कृष्णामूर्ति यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कृष्णामूर्ति ये कृष्णामूर्ति जी कह रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड द आवर सेल्फ कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड द आवर सेल्फ एंड दैट इज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ एजुकेशन। देख सकते हैं कह रहा है कृष्णामूर्ति जी कि टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड द आवर सेल्फ एंड दैट इज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ एजुकेशन। यानी कि जीवन को समझना, क्या कह रहे हैं कि जीवन को समझना और खुद को समझना, जीवन को समझना और खुद को समझना, यही शिक्षा का शुरुआत है और अंत भी। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप खुद को समझते हो और अपने जीवन को समझते हो, अपने लाइफ को समझते हो, तो यह क्या है? शिक्षा है, शिक्षा का शुरू है और अंत भी, ये कह रहे हैं कृष्णामूर्ति जी। अब देख सकते हैं एक लास्ट है डेफिनेशन सुकरात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सुकरात ये कहते हैं कि एडुकेशन मीन्स टू ब्रिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये कहते हैं कि एडुकेशन मीन्स टू ब्रिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी व्हिच आर इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। ये कहते हैं कि एडुकेशन मीन्स टू ब्रिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी व्हिच आर इन माइंड ऑफ एवरी मैन। यानी कि इसका कहना है कि संसार के सर्वमान्य विचार को, जो संसार में सभी के मान्य हो वैसी विचार को, जो प्रत्येक मनुष्य के मन में है, जो प्रत्येक मनुष्य के मन में है, स्वतः निश्चित होता है, यानी कि स्वतः निश्चित होता है, यानी कि अपने आप से निश्चित होता है, उसके प्रकाश में, देख सकते हैं, उसको प्रकाश में लाना ही क्या कहलाता है, उसको उजागर करना ही क्या कहलाता है, एडुकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एडुकेशन कहलाता है। ये कौन कह रहे हैं? सुकरात जी कह रहे हैं। ये विदेशी मनोवैज्ञानिक है, इंडिया के बाहर के हैं। देख सकते हैं इन्होंने कहा कि एडुकेशन मीन्स टू ब्रिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी व्हिच आर इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। ये कह रहे हैं कि संसार के सर्वमान्य विचार को, जो अपने मनुष्य के मन में स्वतः निश्चित होता है, उसको प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। अब देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने पॉइंट देखा था सामान्य, अब देखे थे सामान्य प्रक्रिया के रूप में किस तरीके से शिक्षा को माना गया है, तो इस पॉइंट को अब डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं सामान्य प्रक्रिया को जब हम समझेंगे तो इन सभी परिभाषाओं और इन सभी संप्रत्ययों से पता चलता है मुझे कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है कि यह एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रक्रिया, यह एक क्या है, तो नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी मनुष्य जन्म लिया है तो उसमें शिक्षा का उद्भव होगा ही, वह शिक्षा ग्रहण करेगा ही, जिसके द्वारा क्या करता है, तो जिसके द्वारा हम संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, तो हम संपूर्ण ज्ञान की, ब्रह्मांड की ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ की जिससे हम सर्वांगीण विकास देख सकते हैं, जिससे हम सर्वांगीण विकास आंतरिक रूप से होता है, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास आंतरिक रूप से होता है और बाह्य रूप, यानी कि सर्वांगीण विकास हुआ तो दोनों तरफ से होगा, आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से हमारा विकास होगा। यहाँ देख सकते हैं जिससे हमारा मन भी अधिक, देख सकते हैं आध्यात्मिक भी है, जिससे हमारा मन भी आध्यात्मिक होता है, यानी कि आध्यात्मिक भी मन होता है और हमारा मस्तिष्क भी, यानी कि जो हमारा आध्यात्मिक जो मन है उसको, मन का आध्यात्मिक होना और हमारे मस्तिष्क को भी
एक दिशा प्रदान करना, एक शिक्षा ग्रहण करना, एक ज्ञान प्राप्त होना, यही शिक्षा का सामान्य प्रक्रिया है। यही जो हमारी सामान्य प्रक्रिया है, जो सामान्य प्रक्रिया के रूप में आप शॉर्ट में आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो कि प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से सभी मनुष्य में होना ही है, देख सकते हैं, जिससे कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है और जिससे सर्वांगीण विकास होना निश्चित है, आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से विकास होना निश्चित है। और ये जो आध्यात्मिक और मानसिक जो स्थिति है, मानसिक गुण है, यानी कि मस्तिष्क के लेकर के गुण है, तो उन सभी गुणों का विकास होना जो बेहद निश्चित है, तो ये कहा जाता है कि सामान्य प्रक्रिया के रूप में शिक्षा इस तरीके से काम करता है। अब देखिए सामाजिक प्रक्रिया के रूप में किस तरीके से है। जब आप शिक्षित होंगे तब भी आपका समाज शिक्षित होगा, तभी आपने आपकी जो है कि गांव शिक्षित होंगे, इस तरीके से आपके जो परिवार के बच्चे सभी शिक्षित हो पाएंगे। और देख सकते हैं ये कहता है कि समाज के युवाओं की सामाजिक विकास करने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया लिया जाता है। यानी कि जब आप सामाजिक प्रक्रिया इस तरीके से है कि समाज में ही विद्यालय होता है, विद्यालय के अंदर ही बच्चे आते हैं और बच्चा का फिर कहाँ जाता है, तो समाज में जाता है। विद्यालय से निकल के बच्चा समाज में जाता है, समाज से निकल के विद्यालय में जाता है और विद्यालय से निकल के फिर समाज में आता है। अब कैसे, तब देखिए मान के चलिए जो भी आप बीएड कर रहे होंगे, आपने कॉलेज में गया, यानी कि आपने समाज से निकला और कॉलेज में गया, बीएड किया और फिर आप निकल के वहां से फिर समाज में आएंगे, विद्यालय में, विद्यालय कहाँ है, तो समाज में है, समाज के अंदर है, तो फिर आप समाज में आएंगे। तो यानी कि समाज की सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसको चलाने के लिए शिक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी शिक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट निकल के आता है, इरादतन या औपचारिक या प्रत्यक्ष रूप से। जब आप शिक्षा इरादतन यानी कि अपने इरादों से आप ले रहे होते हैं, अपने इच्छा से ले रहे होते हैं, तो ये कहलाएगा क्या, इरादतन शिक्षा, यानी कि आप इरादा के तौर पे आप ले रहे हो शिक्षा, तो ये इरादतन शिक्षा कहलाएगा, इरादतन के रूप में, यानी कि औपचारिक रूप में। औपचारिक रूप में भी आप कह सकते हैं जिस तरीके से आपको करिकुलम दे दिया गया, यानी कि एक निश्चित करिकुलम दे दिया गया, उसको पूरा करना है आपको। जैसे विद्यालय में पढ़ाई होती है, एक साल के अंदर आपको इस करिकुलम को पूरा कर लिया जाना होता है, तो ये एक औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भी इसको कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से आप जिस चीज को सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो ये प्रत्यक्ष रूप से सीखने की जो शिक्षा है ये निकल के आता है। यानी कि जब भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, ये स्कूल के द्वारा किसी निश्चित स्थान पे, किसी निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा, किसी निश्चित शिक्षक के द्वारा, किसी निश्चित भाषा में दिया जा रहा होता है आपको शिक्षा, तो ये कहलाएगा औपचारिक शिक्षा या इरादतन शिक्षा। यहाँ देख सकते हैं अब कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट की गैर इरादतन यानी कि अनौपचारिक या अप्रत्यक्ष रूप से। जब आप किस इच्छा नहीं है, अब आपकी इच्छा नहीं है शिक्षा प्राप्त करने की, तब भी आपको शिक्षा दिया जा रहा है। यानी कि जब आप किसी समाज में रहते हो, कहीं रह रहे हो, अब जब किसी भी चीज़ को लेकर के आपको एजुकेशन मिल गया, यानी कि कहीं जाते फिरते चलते बुलते आपको किसी चीज़ का ज्ञान हो गया, किसी चीज़ को आपने समझ लिया, तो ये आपको कहलाएगा क्या, तो गैर इरादतन शिक्षा, यानी कि गैर इरादतन रूप से आपको शिक्षा प्राप्त हुई या अनौपचारिक रूप से आपको शिक्षा प्राप्त हुई। पहले के ज़माने में जो देखा जाता था, शिक्षा का कोई करिकुलम नहीं था, एक गुरुजी होते थे और पेड़ के नीचे बैठ के एक शिक्षक को, कई सारे शिक्षक को, ये शिक्षार्थी को यानी कि स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते थे, ज्ञान दे रहे होते, तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता था। लेकिन जब अब करिकुलम आ गए हैं, टीचर का जो प्रक्रिया आ गया, टीचर का जो टीचिंग स्किल आ गया है, इसी टीचिंग स्किल के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाना है, तो ये सभी चीज़ आपको औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और ये जो किसी चीज़ का निश्चित नहीं हो, अचानक से आपको किसी रूप में शिक्षा प्राप्त हो गया हो, तो ये अनौपचारिक शिक्षा के रूप में निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं पांचवा पॉइंट निकल के आता है जो कि लास्ट है, इसको बारे में आप समझ लीजिए कि गैर औपचारिक शिक्षा क्या होता है। जब हम शिक्षा को, यानी कि जब हम औपचारिक शिक्षा को, जब हम किसको, तो औपचारिक शिक्षा को, इसको इरादतन शिक्षा जो मैंने स्कूल में ले रहे होते हैं, तो इसको जब हम औपचारिक अनौपचारिक तरीके से, यानी कि किसी भी तरीके से जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा टीचिंग स्किल है, उसको हम किसी भी तरीके से बच्चे में या
जो है स्टूडेंट है उसमें अपने दे दिया उसको तरीके से दिया जाता है। यानी कि जब हम औपचारिक शिक्षा को अनौपचारिक तरीके से देते हैं किसी भी बच्चे में, तो ये क्या कहलाएगा? गैर औपचारिक शिक्षा। ये क्या कहलाएगा? गैर औपचारिक शिक्षा। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही लंबा हो गया। और वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। वीडियो लंबा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।